बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सबको हमारी YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में हमारी पाक आर्मी की रैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हो गई। पाक फौज की रैंकिंग 15वें नंबर से 10वें नंबर पर आ गई। वैसे देखी जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रमोशन है और इस साल पाकिस्तान आर्मी के सिवा दुनिया की किसी भी मुल्क के आर्मी को ये प्रमोशन नहीं मिली। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बहादुर जवान की हिम्मत और उनकी जवान मर्दी का सिला है। मगर दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हमारे इंडियन भाई इस बात पर बड़ी ही शिद्दत से पेश आ रहे। खैर, उनकी बात तो हम आगे करेंगे वीडियो में। आपको ये बताता चलूं कि आलमी सतह पर मिलिट्री रैंकिंग कम से कम 50 अवामिल को देखकर की जाती है, जिसमें मिलिट्री वॉल्यूम, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जोग्राफिया, वेपन्स वगैरह शामिल है। ख्वातीन और हजरात, तारीख गवाह है कि मुसलमान कौम ने कभी भी हथियार पर भरोसा नहीं किया और तारीख इस बात पर भी गवाह है कि हमने यानी हम मुसलमानों ने कम फौज और छोटे हथियार से ताकतवर तरीन दुश्मन को भी मैदान से भागने पर मजबूर किया। इसकी मिसाल सन 1965 की पाक भारत जंग ही ले ले, जिसमें हमने दुश्मन के दांत कटे कर दिए। रात के अंधेरे में हम पर हमला करने वाला भारत, सुबह तक पूरे लाहौर शहर को कब्जा करने वाला भारत, हमसे 3 गुना बड़ी फौज से हम पर हमला करने वाला भारत, फिर कुछ घंटों में अक्वाम मुतायदा के पास जंग रुकवाने के लिए भागने वाला भारत। अब इससे बड़ा सबूत तारीख में क्या दूं? अब अफगानिस्तान को ही ले लीजिए, जिसमें रूस के साथ अमेरिका भी हैरान और परेशान रह गई। अफगानिस्तान के मुसलमान और मुजाहिदीन जिस तरह बहादुरी से अमेरिका के खिलाफ लड़े, इसकी वजाहत शायद आपको अमेरिका खुद ही दे सके। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जंग में जो हथियार इस्तेमाल किए, मगर फिर भी अगर भारत को हालिया तारीख में कोई मिसाल चाहिए तो 27 फरवरी 2019 को ही याद कीजिए, जब हमने भारत में घुसकर आपको आपकी औकात याद दिला दी और जब बाद में आपकी फिजाई फौज ने मजम्मत करने की कोशिश की तो हमारे बहादुर जवानों ने आपके जहाजों का जो हशर किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। आपके विंग कमांडर अभिनंदन को हमने 3 दिन कैद में रखा। इस बात पर भारत भी बड़ा हैरान था कि जो पाकिस्तान पर हमला करने आया था, पाकिस्तान ने उसको मेहमान नवाजी दी। हम चाहते तो आपके अभिनंदन को चूड़ियां भी पहना सकते थे, मगर ऐसा हमने ना किया। ऐसा ना करके हमने आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, याद रखना, बहुत बड़ा एहसान हमने आप पे कर दिया। हम भारत से जंग नहीं चाहते, एक बार और सुन ले भारत, हम आपके साथ जंग बिल्कुल भी नहीं चाहते और हम जंग से डरते भी नहीं है। अपनी आर्मी को अपनी मूवीज तक ही लिमिटेड रखो, क्योंकि अगर बात रियलिटी पे आ जाती है तो रियल में हीरो विलन और विलन हीरो बन जाएगा, याद रखना। हम भारत को अपना दुश्मन बिल्कुल भी नहीं समझते, मगर हम मुसलमान कौम को पाकिस्तान तक भी महदूद नहीं समझते। मुसलमान जहां पर भी होंगे वो हमारे भाई होंगे और उनकी हिमायत और मदद करना हम पर फर्ज होगा। भारत, आपके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आपके ये कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हाथ काटकर हम तुझे खिलाएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा डालेंगे। तू जो जंग हमसे लड़ने का सोच रहे हो ना, उसकी जीत की खुशखबरी हमें 1450 साल पहले मिल चुकी है। हमारी आज की ये वीडियो भारत को धमकी देना नहीं, मोदी सरकार को समझाना था। हमारी इस वीडियो पर जिसको भी ऑब्जेक्शन हो वो हमें YouTube पर कमेंट कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक हमें दे दी इजाज़त। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।